हमीरपुर जिला के दिव्या आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और हवन पूजा के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक बीआर भारद्वाज, कंचन भारद्वाज के अलावा प्रिंसिपल और स्टाफ भी मौजूद रहा। हवन यज्ञ पूजा के दौरान स्कूल के बच्चों ने भी आहुतियां डाली। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक बी आर भारद्वाज ने कहा कि पिछले 22 सालों से स्कूल की कोशिश रहती है कि विधिवत कक्षाओं का संचालन पूजा अर्चना के साथ हो, इसी के चलते आज हवन पूजा की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में भी स्कूल का परिणाम 100% रहा है, जिसके लिए छात्र बधाई के पात्र हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि दिव्या आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है और यही कारण है कि कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में नहीं गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल से बच्चों का प्लान कभी नहीं हुआ है, जिस कारण स्कूल पर अभिभावकों का अटूट विश्वास बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के लिए वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी भी हर पंचायत में जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रचार में जुटी है। पूर्व सीएम धूमल भी दिन में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। देर शाम को अणुकला में नुक्कड़ सभा के दौरान पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। धूमल ने राफेल मामले पर झूठ बोलने वाले राहुल गांधी ने कोर्ट में माफीनामा देकर अपने बयान पर खेद जताने पर कहा कि अब साबित हो गया है कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। जेनेसिस फाउंडेशन ने कसौली में रॉक बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इस कॉन्सर्ट में देश के नामी ग्रामी सुप्रसिद्ध रॉक बैंडों ने भाग लिया और अपने गीतों से उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। शुभांगी जोशी और प्रतिज्ञा बैंड ने एक के बाद एक तराने छेड़कर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। आपको बता दें कि जेनेसिस संस्था रॉक बैंड कंसर्ट का आयोजन संस्था में फंड बढ़ाने के लिए करता है, ताकि इस फंड का इस्तेमाल वे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कर सकें जो हृदय की विशेष बीमारी से पीड़ित होते हैं। फाउंडेशन के संस्थापक ज्योति सागर ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन फंड एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक संस्था करीब 2100 बच्चों का इलाज करवा चुकी है जो हृदय की बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने ये भी बताया कि 3 वर्ष पहले 7 घंटे की बच्ची की सर्जरी करवाई गई थी जो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर इस विशेष हृदय रोग को इलाज समय पर नहीं होता है तो बच्चों की उम्र कुछ माह तक ही होती है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था उन गरीब परिवारों की भी मदद करती है जिनकी आय 10,000 प्रति वर्ष से कम होती है। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने अपना नामांकन पत्र मंडी उपायुक्त कार्यालय में भरा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
प्रदेशाध्यक्ष सुखपाल सत्ती, खेल व वन मंत्री गोविंद ठाकुर भी मौजूद रहे। इससे पूर्व सेरी मंच में जनसभा के दौरान पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार भी मौजूद रहे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर 25 अप्रैल को हमीरपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सुबह 11 बजे रामलाल ठाकुर नामांकन पत्र भरेंगे और इससे पूर्व गांधी चौक पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश की प्रभारी रंजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहकर रैली को संबोधित करेंगे।